ओके तो भाई लोग, स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 का वॉल्यूम 1 आप लोगों ने देख लिया होगा भाई। लिटरली मजा आ गया है, एक नंबर सीरीज बना रखी है इन लोगों ने। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होगा आखिर वॉल्यूम 2 में। वॉल्यूम 2 में दिखाए जाने वाले 2 एपिसोड उर्फ 4 घंटे में हमें ऐसा वो क्या दिखाएंगे, बिकॉज बहुत सी चीज़ें उनके पास दिखाने के लिए। और आज हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे वॉल्यूम 2 की स्टोरी लाइन को, और मैं गारंटी देता हूँ कि भाई 40% तो कम से कम होगा ही होगा। 60% की मैं गारंटी नहीं लेने वाला, क्योंकि 60% कुछ थ्योरीज हैं जो अगर हो जाती हैं तो फिर ये इसकी पूरी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, तो उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। पर अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम 1 की स्टोरी के बारे में। तो इस स्टोरी में हमें बकायदा दिखाया गया है, एक नए विलन से इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसका नाम है वैकना। एंड वो जो वैकना है वो और कोई नहीं 11 के साथ ही रहने वाला 001 था जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। एंड में 11 ने उसको लड़ाई में हरा के अप्स एंड डाउन की दुनिया में भेज दिया था, जो कि वहां जाकर वो मॉन्स्टर बन गया एंड अपनी वही बकचोदी उसने शुरू कर दी। अब हॉपर की स्टोरी लाइन की अगर हम बात करें तो हॉपर की स्टोरी लाइन में हमें दिखाया गया है कि हॉपर किस तरीके से काफी प्रयास करता है वहां से भागने का, एंड वो सक्सेसफुल हो भी जाता है एक पॉइंट पे, पर लेकिन वहां पे उसको वापस पकड़ लिया था जब वो पीनट बटर खा रहा था बेचारा बैठ के आराम से। एंड उसके बाद उसको डेमोगॉर्गन से लड़ा दिया गया, एंड उसके बाद भी वो काफी अच्छे से वहां पे सर्वाइव कर गया। एट द एंड विल की मम्मी और हॉपर आपस में मिल गए। अब हम दूसरी स्टोरी की बात करें नैन्सी और जोनाथन की, तो इन दोनों के बीच में कुछ केमिस्ट्री अब हो नहीं रही है। जोनाथन अपने अलग ही ड्रग्स की दुनिया में घुसा पड़ा है, नैन्सी अपने अलग सी पड़ी हुई है। एट द एंड नैन्सी और स्टीव के बीच में वापस केमिस्ट्री बिल्ड हो रही है, हो सकता है कि ये काफी क्लोज भी आ जाए। प्लस हमें इस सीजन में ये भी दिखाया गया कि किस तरीके से 11 की पावर्स चली गई थी, एंड देन उसको वापस रिन्यू करने के लिए उसी एक्सपेरिमेंट लैब में गए, उसने अपनी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल किया एंड होप कि उसके पास पावर तो आ ही जाएगी। आपको ये पता है, हमको ये पता है, और इस बार अब उसके पास जो पावर आएगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होने वाली है। एंड मेरे ख्याल से वो पूरे प्लैनेट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिंग होने वाली है अगर उसके पास अब पावर्स जो आएंगी। अब अगर हम बात करें लूकस की ग्रुप की, जिन लोगों ने पूरे के पूरे हॉकिंस में बात फैला दी कि ये जो हेल फायर ग्रुप है वही डीमन से कॉन्टैक्ट कर रहा है एंड वो इन सब चीज़ को मार पीट रहा है, जो भी कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक स्टोरी आर्क खत्म किया गया था। अब नेक्स्ट की बात करें तो डस्टिन, स्टीव, नैन्सी और इनके ग्रुप में हमें एट द एंड दिखाया गया कि किस तरीके से नैन्सी अपसेट डाउन की दुनिया में फंस चुकी है। उसको गिल्ट था उसकी फ्रेंड के डेथ का, जिस गिल्ट का फायदा उठाया वैकना ने, एंड देन उसको अपसेट डाउन की दुनिया में फंसा लिया। तो वहां पर उसने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई कि आखिर वो कैसे बना, वो क्या था, सब कुछ उसने वहां पर रिवील किया है। एंड यहीं पे स्टोरी को खत्म कर दिया गया। ओके, तो ये हो गई स्टोरी, और हम बात करते हैं कि वॉल्यूम 2 में क्या हो सकता है। तो वॉल्यूम 2 की स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमें दिखाया जाएगा कि 11 को उसकी पावर वापस मिल चुकी है, पर 11 को पता है कि उसका जो बाप है वो उसको एज अ वेपन यूज कर रहा था पहले भी, अभी भी यूज करेगा, और एज अ ह्यूमन उसको ट्रीट नहीं करता था। तो इसकी वजह से वो हो सकता है कि वहां से एस्केप करने का ट्राई करे, अपनी पावर्स का यूज करे वहां से भागने का, एंड शायद भाग भी जाए। और इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि विल और माइक ने नीना का जो एड्रेस पूरा निकाल लिया था, तो वो लोग वहां पहुंचे एंड 11 को वहां से बाहर निकाले, पर एट द एंड 11 उस एरिया से बाहर जरूर निकल जाएगी, वहां पे वो फंसने वाली नहीं है। एंड वहां से वो 101% हॉकिंस की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हॉकिंस इस टाइम डेंजर में है। तो अगर हम बात करें हॉपर के ग्रुप की, तो 101% हॉपर का ग्रुप कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ स्ट्रगल करके, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के रशिया से बाहर आ जाएगा, एंड ये चीज देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगी कि वो किस तरीके से वहां से बाहर आएगा। देन उसके बाद वो 101% कि हॉकिंस की तरफ ही जाएंगे, एंड वहां जाके उनको काफी ज्यादा शॉक लगेगा कि हॉकिंस में तो काफी ज्यादा तबाही मची पड़ी है, यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है। तो अगर हम नैन्सी की बात करें जहां पे स्टोरी लाइन खत्म कर दिया गया था, तो नैन्सी के सीन में क्या होएगा, तो हो सकता है कि नैन्सी को वो गिल्ट फील करा के अपसेट डाउन की दुनिया में फंसा रहा है, पर इस बार उनके पास कोई म्यूजिक सोर्स नहीं है जिससे वो नैन्सी को बचा सके। पर यहाँ पे एक और ट्विस्ट आएगा ना, एडी जो हमारे भाई साहब थे जिनके पीछे पूरी पुलिस पड़ी हुई है, वो अपना जादू दिखाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम वो एडी के घर पे हैं, एंड एडी के घर पे हमें सीजन 1 की शुरुआत के टाइम में ही हमें दिखा दिया गया था कि किस तरीके से एडी ने अपने गिटार को बजाया था, तो उसके घर में वो गिटार जरूर अवेलेबल है, एंड हो सकता है कि वो उसी गिटार को प्ले करे एंड नैन्सी को वहां से बाहर निकाले। अब अगर हम बात करें लूकस के ग्रुप में, जो कि हेलफायर ग्रुप के पीछे हाथ धो के पड़ गया है, एडी को तो मारने के पीछे पड़ चुका है, हो सकता है वो उनको खोजते खोजते लेक की तरफ जाएं या कहीं भी जाएं, एंड वहां से वो अपसेट दुनिया की दुनिया में पहुंच जाएं, एंड वहां से उनको एक सच्चाई का पता चले कि नहीं भाई, हेलफायर ग्रुप नहीं है सबके पीछे, एंड एक अलग ही बींग का हाथ है।
देन उसके बाद हो सकता है कि हॉपर और इलेवन दोनों साथ में हॉकिंस में पहुंच जाएं एंड ये दोनों वापस एक दूसरे को हग करें, काफ़ी सैड मोमेंट हो वहां पे। एंड उसी पॉइंट पे हो सकता है कि वैगनर जो है वो हॉपर को भी अपसेट डाउन की दुनिया में फंसा ले। और वो क्यों? क्योंकि जब वो जेल में था हॉपर, उसने बाकायदा बताया था कि उसको अपनी बेटी के मरने का एक गिल्ट है, और हो सकता है कि उसी गिल्ट का यूज करके वैगनर उसको अपसेट डाउन की दुनिया में फंसा ले। जब हॉपर यहाँ पर टारगेट हो जाएगा तो हो सकता है कि इलेवन किसी तरीके से वे खोज के अप्स एंड डाउन की दुनिया में जाएगी एंड वहां पे हमें भीषण फाइट देखने को मिलेगी वैगना और इलेवन के बीच। एंड इस बार जो वैगना है वो पुराना वैगना नहीं रहने वाला है, 001 नहीं है इस बार, वो वैगना है। एंड उसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रखी है, कई लोगों को मार के उसने अपनी पावर समन कर रखी है एंड काफ़ी स्ट्रांग बन गया इस बार। तो इस बार इलेवन को उसको हराना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि इलेवन के पास भी इस बार काफ़ी ज़्यादा पावर है, पर इतनी पावर मेरे ख्याल से सफिशेंट नहीं होगी वैगना को मारने के लिए। और वैगना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पावरफुल दिखाया जाएगा एंड काफी अच्छी फाइट हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगी। पर एट द एंड इलेवन वैगना को नहीं मार पाएगी एंड वहां पे एक और बार हो ट्विस्ट। एंड ये ट्विस्ट ये हो सकता है कि इलेवन वैगना के माइंड पे कंट्रोल करे एंड उसको उसके पास्ट का कोई ना कोई ऐसा गिल्ट जरूर फील कराए जो कि उसने फील किया हो कभी, एंड उसी के पावर को उसी के ऊपर यूज करे। एंड इस तरीके से वैगना को या तो वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, या तो वो उसकी पावर ही पूरी तरह छीन ले, या कैसे भी करके वैगना को वो हरा सकती है उसी के पावर को उसी पर यूज़ करके। और ये सारा काम करने में यहाँ के दोस्त भी इसके काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, बिकॉज इलेवन की सिर्फ अकेले की बस की बात नहीं है, हमें काफ़ी अच्छी फाइट दिखाने वाले हैं ये लोग। एट द एंड टाइम पे हॉपर भी रहेगा, हॉपर को आप जानते हो वो एक घूसे में डेमोगोरगन को मार चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि वैगना भी इसके आगे कुछ ज़्यादा टिकने वाला है। एंड ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद वैगना मर जाएगा, हैप्पी एंडिंग होगी। पर इस बार हो सकती है कि काफ़ी कुछ चेंजिंग है जो इसमें हो सकती है, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। वो कुछ थ्योरीज हैं एंड वो थ्योरीज काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे हैं, तो हो सकता है कि अगर वो थ्योरीज सच हुई तो इस स्टोरी लाइन पर थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ेगा। पर हाँ, जहाँ तक मेरे को लगता है 40-60% ये स्टोरी लाइन सही होने वाली है, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता है ये लोग कुछ अलग करने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टोरी की भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो कनेक्टेड रहो। अगर आपको ये सारी वीडियोस देखनी है सब्सक्राइब कर दो।